सर 25 तारीख को एक बच्ची पैदा हुई जो पॉजिटिव है और उसकी माँ नेगेटिव है, क्या है मामला? ये देखिए, ये जो पेशेंट जिसके बारे में आप रेफर कर रहे हैं, ये 24 तारीख को हमारे अस्पताल में भर्ती हुई थी और इसको जो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं संबंधित विभाग के, उन्होंने इसको भर्ती किया। एज पर प्रोटोकॉल उन्होंने इनका कोविड टेस्ट कराया था जो नेगेटिव आया था, उसके बाद आगे का उपचार किया गया। जब 25 तारीख को एक नवजात बच्ची का जन्म हुआ जिसको कि टेस्ट कराया गया तो उसका पॉजिटिव आया, ये सूचना मुझे प्राप्त हुई। सर ये कोई भी बच्चा अगर क्या माँ अगर पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव ही होगा, ये क्या इस कोविड काल में ये कह सकते हैं आप? देखिए, ये एक होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिसका मतलब होता है कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जैसे कि HIV में हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन में ऐसा होता है, तो इसमें भी हो सकता है। अभी ये इवॉल्विंग साइंस है, कितने परसेंटेज में होगा कितने में नहीं होगा ये तो आगे की फ्यूचर रिसर्च बताएगी। जो कोई पेशेंट अगर RT-PCR नेगेटिव है तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरीके से उसको रेगुलर OT में उसका इलाज शुरू किया जाता है। नेगेटिव मान करके इलाज शुरू हुआ जी, तो 25 को जो बच्चा पैदा हुआ वो उसका क्या टेस्ट हुआ, कौन सा टेस्ट हुआ? बच्चे का भी RT-PCR किया गया, क्या निकला? वो पॉजिटिव आया। ये तो क्या उसकी ब्रेस्ट फीडिंग का क्या, किस तरह से इसको आप लोग टैकल कर रहे हैं? ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारा टेस्ट है, इस टेस्ट प्रक्रिया में कई फ्लॉज होते हैं और कई लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि मैं ये कहूंगा कि जब उनका सैंपल लिया गया था उसमें सैंपलिंग एरर हुई। दूसरा ये हो सकता है कि RT-PCR जो 70% ही सेंसिटिव होता है वो वाली बात हुई होगी, और ये जो पेशेंट है जिस महिला का आप रेफरेंस कर रहे हैं वो हो सकता है कि फॉल्स नेगेटिव में चली गई हो।